प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में धूजनी छुड़ाने वाली ठंड। पिछले कई दिनों से सर्दी का कहर माउंट आबू में, आज भी तापमापिका पारा 0 डिग्री रहने का अनुमान। सर्दी से बचने के लिए अलाव का लिया जा रहा है सहारा, गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए लोग। अलाव जलाकर सर्दी से बचने का किया जा रहा है जतन। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती। महाराष्ट्र में 2086 निर्दलीय समेत 4136 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। महाराष्ट्र में 288 मतगणना केंद्र, वहीं झारखंड चुनाव में 1211 प्रत्याशियों में 128 महिलाएं तथा 591 निर्दलीय शामिल। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में हुआ था मतदान। 13 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का परिणाम आज। राजस्थान की 7, बंगाल की 6, पंजाब और बिहार में 4-4 सीटों, असम की 5 सीटों, कर्नाटक में 3 सीटों, मध्य प्रदेश और केरल में 2-2 सीटों, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और मेघालय में 1-1 सीट पर मतगणना। एक शाम ओम बन्ना के नाम, 36वीं विशाल भजन संध्या का हुआ आयोजन। राजस्थान भर के प्रसिद्ध भजन गायकों ने लिया भाग। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार प्रकाश माली एंड पार्टी सहित भजन गायकों ने बांदा भजनों में समा। भजन संध्या में प्रशासनिक अधिकारी सहित जिले भर के नेताओं ने की शिरकत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए निर्देश, विभागीय कार्यों में आमजन की सुविधा का रखा जाए ध्यान। मुख्यमंत्री ने कहा, जल जीवन मिशन व अमृत 2.0 सहित विभागीय योजनाओं को लेकर पाइपलाइन बिछाने के कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, आमजन को इससे परेशानी न हो। सीएम भजनलाल। बीजेपी संगठन चुनाव में सतीश पूनिया को बनाया केंद्रीय पर्यवेक्षक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड की सौंपी जिम्मेदारी। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह के साथ रहेगा जिम्मा। झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव की परंपरा रही कायम। कांग्रेस की 2 हार, वहीं भाजपा ने 2 जीत के साथ रखी परंपरा कायम। 1996 और 2024 के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत। भाजपा के राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस के अमित ओला को हराया। 1996 में डॉक्टर मूल सिंह शेखावत ने वर्तमान सांसद ब्रजेंद्र ओला को हराया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, अपनी सरल, सहज और सक्षम कार्यशैली से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में विशिष्ट पहचान बनाने वाले ओम बिरला जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खींवसर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की विजय। 13,000 वोटों से जीते भाजपा के रेवतराम डांगा। भाजपा ने 16 साल बाद जीती खींवसर सीट। भाजपा ने 2008 के बाद जीती खींवसर सीट। कर्नाटक के कोपल जिले के माराकुंबी गांव में 28 अगस्त 2014 के दलित उत्पीड़न मामले में 24 अक्टूबर 2024 को आया फैसला। सेशन कोर्ट ने ऊंची जाति के 98 लोगों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। ऐसा देश में पहली बार हुआ जब छुआछूत से जुड़े मामले में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ सुनाई उम्र कैद की सजा।